नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं बेसिकली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स को। दोस्तों इससे पहले हम बैंगलोर के साथ में मुंबई को कंपेयर कर चुके हैं, चेन्नई को कंपेयर कर चुके हैं और पंजाब किंग्स को कंपेयर कर चुके हैं। और दोस्तों ये चौथी टीम है जिसको हम बैंगलोर के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। और दोस्तों बेसिकली सभी टीमों के साथ में इस टीम को कंपेयर हम करने वाले हैं। इसके अलावा जो बाकी टीमें हैं उनको भी आपस में कंपेयर करेंगे तो धीरे धीरे सारी वीडियोज आएंगे, क्योंकि दोस्तों एक महीना अभी आईपीएल के स्टार्ट होने में बचा हुआ है, तो इसी वजह से आपका मनोरंजन भी होता रहना चाहिए। तो इसीलिए डेली आपको एक एक वीडियो कंपैरिजन की मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर से देखते रहिएगा। और क्रिकेट और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर बढ़ते हैं हमारी सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग की। तो दोस्तों ओपनिंग में दोस्तों आपको पता होगा कि बेंगलोर के पास में चार विकल्प हैं, जॉशुआ फिलिपी, देवदत्त पाडिकल, मोहम्मद अजहरुद्दीन और सचिन बेबी, ये चार विकल्प इनके पास में मौजूद हैं। वहीं पर दोस्तों बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के पास में पृथ्वी शॉ हैं, शिखर धवन है, इसके अलावा स्टीवन स्मिथ और चौथा नाम है अजिंक्य रहाणे। दोस्तों ये चार ऑप्शन इनके पास में ओपनिंग के लिए मौजूद है। और दोस्तों बात करें अब जब हमने इन दोनों टीम्स को कंपेयर किया ओपनिंग में, तो दोस्तों एक एक करके बात करें तो यहाँ पर पाडिकल और फिलिपीन का फॉर्म काफी अच्छा है। फिलिपी का बिग बैश में अच्छा था, हाईएस्ट रन गेटर की रेस में सेकंड नंबर पर थे। इसके अलावा जो फिलिपी हैं वो जो पाडिकल है वो विजय हजारे में एक के बाद एक तीन शतक जड़ चुके हैं। दोस्तों विजय हजारे के हाईएस्ट रन गेटर ये अभी इस समय बने हुए हैं, जहां पर दोस्तों मुश्ताक अली में भी ये काफी अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं। तो दोस्तों मतलब अपनी रेड हॉट फॉर्म में पाडिकल जो है वो नजर आ रहे हैं। और दोस्तों 2020 में भी इन्होंने अपनी टीम की तरफ से करीब 470 रन बनाए थे, तो दोस्तों ये मतलब काफी अच्छी बात है। इसके अलावा अजहरुद्दीन और सचिन बेबी जो है वो अनकैप्ड प्लेयर हैं। वहीं पर दोस्तों बात करें दूसरी तरफ दिल्ली के पास में दोस्तों शिखर धवन है, जिनका मतलब ठीक है पिछला साल अच्छा रहा था, और मतलब गब्बर तो ठीक है अच्छा चलते हैं। इसके अलावा पृथ्वी शॉ की बात करें तो दोस्तों पिछला साल मिला जुला रहा था, उतना मतलब कन्विंसिंग नहीं लगे थे, लेकिन इस साल दोस्तों इन्होंने जता दिया है कि इनकी फॉर्म क्या है। इन्होंने हाल ही में विजय हजारे में डबल सेंचुरी जड़ी है। इसके अलावा दोस्तों हाईएस्ट रन गेटर के मामले में भी ये टॉप फाइव या टॉप सिक्स की लिस्ट में शामिल है, जिसमें दोस्तों पांच मैचों की पांच पारियों में 404 रन बना चुके हैं। तो दोस्तों ये भी अच्छी फॉर्म में है। लेकिन दोस्तों बात आती है स्टीवन स्मिथ और अजिंक्य रहाणे, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही खिलाड़ी जो है वो T20 के हिसाब से आउट ऑफ फॉर्म है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों ही खिलाड़ी जो हैं वो थोड़ी सी चिंता का विषय हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो इसी वजह से दोस्तों जब कंपेयर किया दोनों टीम्स को, तो दोस्तों जो पलड़ा है वो बराबर है दोनों ही टीम्स का, क्योंकि ये दो खिलाड़ी जो हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है। हालांकि दोस्तों अगर फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर पलड़ा जो है वो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स का भारी हो जाएगा। लेकिन स्मिथ का जो दोस्तों हम जब जानते हैं कि एक्सपीरियंस भी काफ़ी है लेकिन फॉर्म अच्छा नहीं है, और रहाणे का भी फॉर्म कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अगर ये अच्छा चल जाते हैं स्टार्टिंग मैच से ही तो फिर दिल्ली डेफिनेटली भारी जाएगी बेंगलोर के ऊपर। और दोस्तों वही चीज़ बेंगलोर के लिए भी है कि अजहरुद्दीन अगर अपनी रेड हॉट फॉर्म में आ जाते हैं, जैसा कि उन्होंने सैयद मुश्ताक अली में दिखाया था, दोस्तों केवल 53-54 गेंदों में 137 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी इन्होंने, तो अगर ये वैसी फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर बेंगलोर के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों ये हुई ओपनिंग की बात। बात करें मिडल ऑर्डर की, तो दोस्तों मिडल ऑर्डर में आरसीबी के पास में विराट कोहली हैं, बी डी विलियर्स हैं, मैक्सवेल, सैम्स, क्रिश्चियन, सुंदर, जैमिसन, हर्षल पटेल, के एस भारत, रजत पाटीदार और प्रभु देसाई। तो दोस्तों ये कुछ खिलाड़ी हैं मिडल ऑर्डर में आरसीबी के। बात करें दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के मिडल ऑर्डर की, दिल्ली कैपिटल्स के मिडल ऑर्डर में भी दोस्तों काफ़ी अच्छे इंडियन बैट्समैन मौजूद हैं, जिसमें दोस्तों श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, शिमरन एटमायर, मार्कस रॉयनिस, इसके अलावा रवि अश्विन, अक्षर पटेल, सैम बिलिंग्स, इसके अलावा टॉम करन, रिपल पटेल, विष्णु विनोद, ललित यादव, प्रवीण दुबे, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो कि इनके मिडल ऑर्डर में बैठे हुए हैं। दोस्तों बात करें एक एक करके, तो दोस्तों आरसीबी के पास में जहां पर विराट हैं, मैक्सवेल हैं और एबी डिविलियर्स, तो वहीं दिल्ली के पास में भी श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, शिमरन एटमायर और मार्कस रॉयनिस हैं। तो दोस्तों ये जो खिलाड़ी हैं वो आपस में बराबर कैटेगरी की हैं और कभी भी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं। जो अगर बेंगलोर के पास में एबी डिविलियर्स हैं तो दिल्ली के पास में ऋषभ पंत है भैया, और दोस्तों अपनी खतरनाक फॉर्म में है ऋषभ पंत। और इस बार मतलब मुझे लग रहा है कि इस बार ऋषभ पंत जो है ना वो काफ़ी तहलका मचाने वाले हैं आईपीएल में, तो इसी वजह से यहां पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं। और दोस्तों बाकी के जो खिलाड़ी हैं वो यहां पर अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, और कुछ का फॉर्म ठीक ठाक है, मतलब बिलिंग्स, टॉम करन, ये मतलब ठीक है अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन फॉर्म भी जो मायने रखती है। तो यहां पर एक्सपीरियंस
भी उतना ही है, तो उस हिसाब से हम देखें तो दोनों टीमें जो हैं वो मिडिल ऑर्डर में भी बराबर है, क्योंकि जो मेन मेन खिलाड़ी हैं वो दोनों टीमों के इक्वल हैं। तो इसी वजह से मिडिल ऑर्डर में भी पलड़ा जो है वो बराबर रहेगा दिल्ली और बेंगलोर का। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे अब बॉलिंग में, दोस्तों यहाँ पर चर्चा होगी। यहाँ पर दोस्तों आरसीबी के पास में रिचर्डसन, चहल, जैम्पा, सुंदर, सिराज, नवदीप, सैम क्रिश्चियन, जैमिसन, शाहबाज, देशपांडे और मैक्सवेल, ये कुछ खिलाड़ी हैं। वहीं पर दोस्तों बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के पास में दोस्तों मिश्रा है, रबाड़ा है, नौरकिया है, बोक्स, ईशांत, आवेश, उमेश, मेरीवाला, एम सिद्धार्थ, टॉम करण, अक्षर पटेल, अश्विन और इसके अलावा जो स्टॉइनिस है वो भी गेंदबाजी करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अब एक एक करके कंपेयर करें तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे फास्ट बॉलिंग की। फास्ट बॉलिंग में दोस्तों आरसीबी के पास में जो विकल्प हैं उसमें रिचर्डसन हो गए, जैमिसन हो गए, सिराज, नवदीप, ये कुछ विकल्प हैं, सैम्स हो गए, हर्षल पटेल हो गए, ये कुछ विकल्प हैं। जबकि दोस्तों दिल्ली के पास में काफ़ी बेटर विकल्प हैं, क्योंकि कगिसो रबाड़ा वन ऑफ द बेस्ट डेथ ओवर गेंदबाज और वन ऑफ द बेस्ट पावर प्ले गेंदबाज। इसके अलावा एंड्रिक नौरकिया, क्या गति है भैया, मतलब अच्छी गति से गेंदबाजी करते हैं और डेथ में भी काफी अच्छी यॉर्कर्स मारते हैं और काफी तेज तर्रार यॉर्कर्स मारते हैं, तो ये भी काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। इसके अलावा जो इसके बाद बात करें क्रिस वोक्स, दोस्तों गेंद को स्विंग सीम करा सकते हैं स्टार्टिंग में। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने उमेश यादव को भी ले लिया है, जो कि अच्छा गेंद को लहरा सकते हैं स्टार्टिंग में। इसके अलावा मतलब स्विंग सीम भी करवा सकते हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा पावर मतलब जो है फास्ट बॉलिंग में वो नज़र आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स के बजाय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के। क्योंकि दोस्तों जैमिसन को हमने उतना नहीं देखा है, इसके अलावा रिचर्डसन है जो कि ठीक है, लेकिन दोस्तों सिराज और नवदीप का कुछ पता नहीं है, ये कभी भी मतलब महंगे भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि सिराज का हमने देखा है T20 में फॉर्म किस तरह का रहता है, नवदीप का भी अभी मतलब उतनी मतलब अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है। तो इसी वजह से जो फास्ट गेंदबाजी है वो दिल्ली की भारी है बजाय बेंगलोर के। बात करें स्पिन में, तो दोस्तों स्पिन में जहाँ पर बेंगलोर के पास में ज़्यादा विकल्प नहीं है, जैम्पा हो गए, चहल हो गए, इसके अलावा मैक्सवेल, इसके अलावा सुंदर हो गए, इसके अलावा शाहबाज हो गए और भी कुछ अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, तो ये नाम हो गए इनके। जबकि इनके पास में भी दिल्ली के पास में अक्षर, अश्विन काफ़ी एक्सपीरियंस गेंदबाज है, फिंगर स्पिनर है, तो लाइन लेंथ काफ़ी अच्छी रहती है, अश्विन काफ़ी चालाक गेंदबाज, इसके अलावा अमित मिश्रा के रूप में रिस्ट स्पिनर हैं, काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, इसके अलावा भी एम सिद्धार्थ हैं जो कि स्पिन गेंदबाज हैं, तो मतलब इनके पास भी स्पिन अटैक अच्छा है, लेकिन मतलब ऑलमोस्ट बराबर ही है, क्योंकि एक तरफ चहल हैं तो दूसरी तरफ दोस्तों अश्विन का एक्सपीरियंस है, तो इस हिसाब से बराबर हो जाते हैं। तो गेंदबाजी में स्पिन में तो ये बराबर हम कह सकते हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग में यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स भारी है। तो दोस्तों ओवरऑल गेंदबाजी में दिल्ली कैपिटल्स जो है वो भारी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जो बल्लेबाजी होगी, बैटिंग होगी, उसमें रन ऑन द बोर्ड जो है वो दोनों टीमें इक्वल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब गेंदबाजी की बारी आएगी तो यहां पर डेथ ओवर में ज्यादा मजबूत होगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम बजाय आरसीबी के। दोस्तों यही था मतलब दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी का कंपैरिजन। अब आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और दोस्तों एक एक करके सभी टीमों को कंपेयर हम करने वाले हैं बेंगलोर के साथ में। नेक्स्ट वीडियो किसके साथ में कंपेयर करें इसके बारे में भी अपना सजेशन जरूर भेजें। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम फिर से हाजिर होंगे एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग डेली न्यूज अड्डा। थैंक यू।